जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे भगवान राम और अयोध्या के नाम पर सियासत तेज हो गई है। पहले आमंत्रण को लेकर सियासत हुई और अब जिस तरीके से एनसीपी के एक नेता ने भगवान राम को लेकर बयान दिया है, उस पर भी सियासत शुरू हो गई है। हालांकि सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर बार बार हिंदू भावनाओं को ठेस क्यों पहुंचाई जा रही है। इस वक्त मैं अयोध्या में हूं, हनुमानगढ़ी के बाहर हूं और तमाम श्रद्धालु इस वक्त यहां पर मौजूद हैं जो अलग अलग राज्यों से अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। आप लोग कहां से हैं? इंदौर, मध्य प्रदेश से हैं। अयोध्या में हैं, राम की नगरी में हैं, और अगर बात करें तो जिस तरीके से देखा जाए तो भगवान राम और अयोध्या के नाम पर सियासत हो रही है। अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो पहले विपक्षी पार्टियों ने आमंत्रण को लेकर कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे, और आज एनसीपी के एक नेता हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भगवान राम को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो मांसाहारी हैं। आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों से कहीं ना कहीं जो हिंदू भावनाएँ हैं उसको ठेस पहुँचती है? कांग्रेस पार्टी तो यदि देता जाए तो तुझ तो भी फालतू बयानबाजी करती रहती है। हिंदू सनातन के लिए राम मंदिर बनना बहुत ज़रूरी था और ये मोदी जी और योगी जी का शासन में ही हो पाया है। कांग्रेस तभी नहीं बना पाती है। आप हमारे साथ हैं हैदराबाद जी, क्या नाम है आप? ब्रजगोपाल जाजू। ब्रजगोपाल जी, जिस तरीके से अयोध्या और राम के नाम पर सियासत हो रही है, जिस तरीके से आज एक बयान आया एनसीपी के एक बड़े नेता का भगवान राम को लेकर, आपने शायद सुना होगा, उन्होंने कहा कि भगवान राम मांसाहारी था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बयान के लिए माफ़ी मांग ली, लेकिन आपको नहीं लगता कि बार बार हिंदू भावनाओं को ठेस पहुँचाने की कोशिश की जा रही है? ये लोग करते थे, अपोजिशन का काम वही है, ऑर्डर्स को अपने साथ, मतलब उनको दूसरे नॉन हिंदू ऑर्डर्स के लिए पटाने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो आपको लगता है कि वो जानबूझकर ऐसी बयानबाजी करते हैं? वो बयानबाजी करना उनका काम है, उसके लोग अंडा फैलाते रहते हैं वो। और भी लोगों से आप आ गया जी, आप कहाँ से हैं? जी सर, मैं काशी से। काशी। अच्छा, बनारस से हैं। क्या नाम है आपका? पंकज दुबे। सर, पढ़ाई करते हैं? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हैं? इस समय बी फार्मेसी है। जिस तरीके से राम अयोध्या के नाम पर सियासत हो रही है, बार बार बयानबाजी सामने आ रही है, आपको लगता है कि ये ठीक है? अरे, ये लोग सनातन धर्म को जानते नहीं है, इसीलिए ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं, केवल इनको कुछ पता होता है नहीं। जी आगे आ जाइए। नमस्ते, क्या नाम है आप? हर्षिता खंडेलवाल। एनसीपी के एक नेता है महाराष्ट्र के, उनका एक बयान आज सामने आया कि उन्होंने भगवान राम को लेकर बयानबाजी की, टिप्पणी की कि भगवान राम मांसाहारी थे, हालांकि उन्होंने माफी भी मांग ली, लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसी बयानबाजी से, ऐसी टिप्पणियों से कहीं ना कहीं जो हिंदू भावनाएं हैं उसको ठेस पहुंचती है? मुझे नहीं लगता कि अब हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, क्योंकि जितना वाद विवाद होना था वो पिछले बहुत सालों में हो चुका, और चाहे अब मोदी जी कह लीजिए या हिंदू लोगों का विश्वास कह लीजिए, अब इतने ऊपर आ चुका है कि अब ये किसी भी बयान से नीचे नहीं जा सकता। तो आई थिंक हम सारे हिंदू या पूरा भारतवर्ष कह लीजिए, इन चीज़ों से बहुत ऊपर आ चुका है, और ऐसे किसी भी तरह के कमेंट से अब हम पीछे नहीं जा सकते। आपको क्या लगता है कि बार बार ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं? अब पहले आपने सुना होगा कि आमंत्रण को लेकर, जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, आमंत्रण को लेकर तमाम बयान सामने आए कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे, अगर हमें इन्विटेशन मिलेगा तब भी नहीं जाएंगे, और इस तरीके से सारी चीज़ें बाहर आ रही है। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं वोट बैंक को लेकर ये जो पूरी पॉलिटिक्स हो रही है उसके आसपास ये पूरी बयानबाजी कह सकते हैं कि घिरी हुई है उससे? पॉलिटिकल एजेंडा थोड़ा हो सकता है, मगर जैसा मैंने पहले कहा कि हम अब इन सारी चीज़ों से ऊपर आ चुके हैं, तभी आज हम सभी लोग राम मंदिर, जो एक सपना हुआ करता था, वो पूरा होते हुए आज पूरा भारतवर्ष नहीं, पूरा विश्व ये देखेगा। तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और हम सभी वो चीज़ों को अब देखने वाले हैं, हम वो सारी चीज़ें विटनेस करने वाले हैं। तो आप चाहे इसे पॉलिटिकल एजेंडा कह लीजिए या किसी भी तरह का कमेंट कह लीजिए, ये अब उतना मेरी नज़रों में मायने नहीं रखता है। मतलब हिंदू आगे बढ़ चुका है इन चीज़ों से, बस हम लोग चाहते हैं कि 22 जनवरी को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो और हम लोग को पहुँचने का यहाँ मौका मिले दर्शन करने का। आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत है। सुजीत कहाँ से हैं? मैं मुंबई से हूँ। अच्छा, मुंबई से हैं। मुंबई से हैं तो वहाँ के एक नेता हैं जितेंद्र आव्हाड, एनसीपी के, उनका एक बयान आया, सुना होगा आपने। हाँ, उन्होंने बोला कि श्री राम जी जो है वो मांसाहारी है, वो मांसा उन्होंने माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन आपको माफ़ी तो उनको मांगना ही था, क्योंकि ऐसा जो
स्टेटमेंट है वो गलत स्टेटमेंट है, अगर क्योंकि अगर वो खुद एक हिंदू, मतलब एक हिंदू है, जितेंद्र अवार्ड बोलेंगे तो महाराष्ट्र ने और हिंदू नेता है, नहीं तो मतलब वो एनसीपी के है लेकिन वो हिंदू ही है, तो उनको ऐसा स्टेटमेंट नहीं करना चाहिए। बोला उनका ये कहना था कि मैं कोई भी बात तर्क के साथ करता हूँ, माफी के बाद भी उन्होंने बात बोली। इस चीज का कोई तर्क नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आप वो रहे चाहे कोई भी नेता हो, इसका कोई तर्क नहीं दे सकता। मांसाहारी है करके ये स्टेटमेंट ही गलत है, ये उनको देना ही नहीं चाहिए। अगर उनके पास कितना भी तर्क हो तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। इनको वो माफी मांग लिया, वो अच्छी चीज है, तो मैं उनको बोलता माफी मांगिए, या हमारे पूरे देशवासी बोलते उनको माफी मांगे। आपको लगता है कि आगामी चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं ऐसे स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, ऐसी बयानबाजी हो रही है ताकि एक वोट बैंक को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सके, उन्हें आकर्षित किया जा सके? नहीं, बट ये ऐसा सब स्टेटमेंट देने से वोट बैंक कहीं पर भी अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि क्या है ये सब चीज से उल्टा मूर्खता चीज दिखती है कि जो नेता है आज के डेट में या जो भी नेता इस पॉलिटिक्स में जो चल रहे देश में है, वो ये सब स्टेटमेंट से कोई उनसे मतलब एक वो है अपील, मतलब बोलते ना कि उनसे कोई ये नहीं होगा, कोई मोहित नहीं होगा कि मतलब ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हाँ ये बहुत अच्छे नेता है करके, ये बहुत गलत नेता है, चाहे वो हिंदू हो, कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, ये सुन के ही उनको लगेगा कि ये गलत स्टेटमेंट है। ऐसी बयानबाजी से मतलब बचना चाहिए नेताओं को। क्या आपका नाम क्या है, कहाँ से? मेरा नाम है प्रथमेश दुबे, मैं मुंबई से हूँ। आप भी मुंबई से हैं? का रहने वाला हूँ, मुंबई में रहते हैं। जी हाँ। पढ़ाई करते हैं? काम जी, मेरा काम है जी। आप आज अयोध्या में हैं और आज हम इसी चीज को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि जो प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम होना है उससे ठीक पहले अचानक से राम और अयोध्या के नाम पर एक बार सियासत तेज हो गई है, हालांकि इसकी उम्मीद नहीं थी। एक आम नागरिक होने के नाते क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए, आज मैं यहाँ पे करीबन 15 साल बाद आया हूँ। एक बार मैं बहुत पहले आया था जब मैं छोटा था, उस समय का अयोध्या और आज जिस समय से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में लोग बाहर बाहर से आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा और हमारे लिए एक अचीवमेंट है। तो इसको अगर कोई रोकेगा और इसमें अलग अलग नेता है, जो भी है नेता, उसमें अगर जो भी बाधाएं डालेंगे, कोई बयानबाजी, उल्टा सीधा बयानबाजी करेंगे, तो ये अपने आप को ही ये लोग फेलियर है उनके लिए। आपको लगता है कि इस अचीवमेंट को, विकास की इस रफ्तार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग? जी, बहुत से ऐसे नेता है, नाम तो हम किसी का लेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत से नेता है, वो खुद से ही अभी देखिए बयानबाजी, आज जैसा एनसीपी के एक बड़े नेता ने बोल दिया, ऐसे ही ये लोग अपने आप को, ये सब नहीं करना चाहिए पहली बात तो उन लोगों को, जैसे जिस हिसाब से यहाँ पे विकास हो रहा है उन लोगों को सबको सहयोग करना चाहिए, सबको, भले ही पॉलिटिकल अलग चीज़ होगी, बट ये जो होने वाला कार्यक्रम है ये देश के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम सबके लिए हो रहा है, यहाँ पे बाहर बाहर से भी लोग आएंगे, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हम खुद बम्बई से आए हैं यहाँ पे, हम खुद बम्बई में रह रहे हैं, यहाँ पे आए हैं, यूपी आए हैं। नहीं लगता कि धर्म और राजनीति को बिल्कुल अलग अलग रखना चाहिए? बिल्कुल अलग रखना चाहिए, लेकिन एक राजनीति जो आप बोल रहे हैं, राजनीतिक बहुत ही, ये राजनीति के सबसे बड़े जो कहते हैं खिलाड़ी थे वो चाकर्ण्य थे। उनका ये कहना था कि जब सब एक तरफ हो जाए, प्रजा एक तरफ हो जाए और राजा अकेला खड़ा हो, तो आप जान जाइएगा कि राजा ईमानदार है। तो बस ये क्या कहते हैं, समझ लीजिए सब जो एक तरफ हैं और राजा एक अकेला है। वो राहुल गांधी ने क्या कहते हैं INDA का बनाया था, उसमें 28 पार्टियां थीं और BJP अलग अकेली खड़ी है, उसके बाद भी 4 राज्यों में उसकी जीत हो रही है, तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीति अलग है और धर्म अलग है। लोग यहाँ धर्म के नाम पर वोट नहीं दे रहे हैं, वो विकास को वोट दे रहे हैं। जी, आप कहाँ के रहने वाले? जी, मैं प्रॉपर अयोध्या का रहने वाला। अयोध्या के, तब तो आप बेहतर बता सकते हैं पूरी बदलाव की कहानी को। तो आपको लगता है कि राम मंदिर तो बन ही रहा है, ठीक है, लेकिन मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या का एक नव निर्माण भी? बिल्कुल नव निर्माण हुआ सर, जैसा कि आप इस समय अयोध्या को आप देख रहे हैं, आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। आज जो नव निर्माण हुआ है तो भाजपा की सरकार में, वो और किसी सरकार में हो भी नहीं सकता था सर। ये जैसे कि अखिलेश यादव कहना है कि उनको राम मंदिर के, क्या कहते हैं, जो उद्घाटन होना है उसमें उनका निमंत्रण नहीं आया है। आज से पहले जब उन्होंने, मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई थी कार सेवकों के ऊपर, तब उनको राम मंदिर के बारे में नहीं आता था। अब उसमें कहने का मतलब ये है कि अब उनको चाहिए अयोध्या
और पहले क्यों नहीं थी अयोध्या, तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है। तो देखिए, ये लोगों की अपनी अपनी अलग अलग राय है और लोगों का भी ये मानना है कि धर्म और राजनीति को बिल्कुल अलग रखना चाहिए, लेकिन सच यही है कि प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले राम और अयोध्या को लेकर सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। ये सियासत कब थमेगी कब रुकेगी किसी को नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि जैसे जैसे तारीख और करीब आती जाएगी प्राण प्रतिष्ठा की, वैसे वैसे ऐसी बयानबाजी और ज्यादा देखने को मिलेगी। अयोध्या, राम का अपमान, विपक्ष का सियासी प्लान जो पहुंचाएगा हिंदुओं को ठेस, नहीं बचेगा वो शेष। 24 की सत्ता, सनातन के नाम। हम बात कर रहे हैं वाराणसी में लोगों से और उनसे जानते हैं कि विपक्ष का जो ये सियासी प्लान है वो किस तरीके से आम जनता देख रही है। क्या लगता है भाई साहब, जिस तरीके से विपक्ष राम के नाम को बदनाम करके सियासी खेल खेल रहा, बहुत ये गंदा काम हुआ है। जीतन जी का जो एनसीपी नेता है, विपक्ष पूरा लगा हुआ है प्रभु राम को एकदम वो मांसाहारी हैं ये शब्दों का उपयोग करना, ये पूरे हिंदू का पूरे देश का अपमान है जो बोले हैं ये, उनको कड़ी कड़ी उस सजा मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। कहते हैं राम नाम से ही बेड़ा पार हो जाता है, पर विपक्ष इस समय सियासी प्लान कुछ और ही रच रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप? विपक्ष के पास इस समय कुछ भी नहीं रह गया, ना नैतिकता रह गई है ना मानसिकता रह गई है, वो एकदम धरातल पर आ चुका है। उनके कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ता तो फिलहाल उनके पास है ही नहीं है सर, उनके जो काम करने वाले मान लीजिए छिटपुट छिटपुट हैं या नेता हैं, उनके पास सिर्फ एक ही है कि सरकार का विरोध करें और किस तरह से राम मंदिर का हम विरोध कर सकते हैं। वो चाहते हैं किसी तरह से हमको ऊपर उठना है, वोट पाना है, करना है, लेकिन कहीं से उनकी सियासत नहीं गरमाने वाली है। विपक्ष इस समय इस सियासी गेम प्लान में लगा हुआ है राम के नाम को बदनाम करने की, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सभी देशवासियों को पहले तो मैं जय श्री राम कहना चाहूँगा। ये जन जन के प्रभु हैं और एक कहावत आपने सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उस त्रेता युग में, द्वापर युग में भी जिन लोगों ने प्रभु श्री राम का विरोध किया था और अनैतिक कार्य किया था, उसका सर्वनाश दुनिया ने देखा है रामायण के माध्यम से, तमाम जो है धारावाहिकों के माध्यम से। आज के काल में भी यदि कोई पार्टी अपने विनाश की तरफ जा रही है तो अनर्गल बयान दे करके अपनी पार्टी का सर्वनाश करने के लिए वो तैयारी में ही है। मुझे तो शर्म आ रहा है, मैं आज टीवी न्यूज़ देख रहा हूँ, चारों तरफ इसका विरोध हो रहा है। एनसीपी के नेता जितेंद्र जी ने जो बयान दिया है ये बहुत ही शर्मनाक है। हमें तो लगता है कांग्रेस पार्टी ये जानबूझ के भी दूसरा चाल चल रही है राजनीति को देखकर। विपक्ष में कोई मुद्दा नहीं रह गया है, तो उनके पास अभी एक मुद्दा रह गया है, प्रभु श्री राम पे अटैक कर रहे हैं, जिनको कहा जाता है कि वो बहुजन हैं, जिनको कहा जाता है कि वो शाकाहारी नहीं मांसाहारी हैं। हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है, प्रभु श्री राम हम लोग के मन में बसते हैं, प्रभु श्री राम जी का पूरा भव्य रूप 22 जनवरी को पूरा देश देखेगा। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था और आज भव्य राम मंदिर 22 जनवरी को बनने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ये बताइए कि किस तरीके से देखते हैं विपक्ष के इस सियासी प्लान को, जहां राम का नाम ही सबसे बड़ा दान होता है वहां विपक्ष का ये गेम प्लान। देखिए, किसी गीतकार ने बहुत खूब लिखा था, मेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम। ये सही बात है कि न केवल इस देश के करोड़ों देशवासियों बल्कि विदेश में भी रहने वाले हिंदुओं के मन में राम बसते हैं, राम मर्यादा के प्रतीक हैं। विपक्ष जो आज हरकत कर रहा है, ये पहले कहते थे कि तारीख कब बताएंगे, मंदिर कब बनाएंगे, अब जब मंदिर बन गया, जब उसका समय आ गया है, तो ये अपना दिवालियापन, इनका दिमाग मानसिक दिवालिया हो गए हैं। सर्वप्रथम मैं संपूर्ण जनमानस को जय श्री राम कहते हुए ये कहना चाहूँगा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा न होने की वजह से वो उलझुल हरकतें कर रहे हैं। कहा जाता है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो शैतान ने उनके दिमाग में निवास कर लिया है और उनकी इस उलझुल टिप्पणी से हमारे संपूर्ण जनमानस को अत्यंत आत्मिक आघात पहुँचा है। देखिए, ये बहुत निंदनीय मामला है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है। राम, रावण का घमंड नहीं रहा, ये तो बहुत साधारण इंसान है, इसकी क्या गति होगी ये खुद नहीं जानता है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल रहे हैं, कुछ बताइए उस समय क्या दिन था और आज जब मंदिर बन रहा है तो कैसा लग रहा है आपको? पहले आपका जो भावुकता है, जो आपकी जो आप फील करते हैं उसे जानना चाहेंगे। मैं भारतीय हूँ, हिंदुओं का धर्म मानता हूँ,
किसी दूसरे धर्म को ऐसा शब्द कहने वाले वैसा नहीं करेंगे भविष्य में। उसमें कितना संघर्ष किया था आप लोगों ने बताइए रह? जी संगत मतलब बहुत मेहनत किए थे हम लोग ऊपर जा कर के, उसकी सफाई वगैरह सब किए थे हम लोग मिल करके। मैं यही कहूँगा कि राम नाम सत्य है, राम को कोई झूठा नहीं बता सकता है, और इन्होंने जो भी अपना सियासी खेल खेला है इसके लिए तो हम लोग तो नहीं कुछ कर सकते हैं, भगवान खुद ही उनका निवारण कर देंगे। हमारे साथ कुछ और भी लोग उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से विपक्ष का ये गेम प्लान है, सत्ता के चाह में विपक्ष जो ये काम कर रहा है, किस तरीके से दिखता है आम वोटर आम इंसान? देखिए सर्वप्रथम तो मैं काशी की तरफ से एक उद्घोष करता हूँ, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। देखिए जो एनसीपी के नेता हैं जितेंद्र जी, इनका जो बयान है वो पूरे सनातन संस्कृति को शर्मसार कर देने के लिए है। भक्ति तो भाई उसके स्थान तो कोई दूर नहीं कर सकता है। भगवान में श्री राम से कहना चाहता हूँ इनको मुक्ति दे, और उनको मरेंगे जब तो राम राम कहेंगे तब भी इनको मुक्ति मिलेगा। लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपना अपना वक्तव्य है, क्या दिखाई देता है विपक्ष जिस तरीके से राम के नाम को बदनाम करने में लगा हुआ है? विपक्ष वालों की अपनी सोच है, वो सोच हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम राम भक्त हैं। बड़े सौभाग्य की बात है जो इतने सौ वर्षों से जगह खाली थी उस पर श्री राम विराजमान हो रहे हैं, ये हम सनातन धर्मियों के लिए बड़े गर्व की बात है। क्या दिखाई देता है युवा है, क्या देखते हैं आप कि सत्ता के नाम पर क्या इस तरीके से बयानबाजी होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए। जो श्री राम जी को अपमानित कर रहे हैं भारत में, उनको भारत में रहने कोई अधिकार नहीं है, उनको खुद नहीं पता है श्री राम कौन है। तो जिस तरीके से लगातार ये लोग देख रहे हैं, कुछ हम और लोगों से बात करते हैं, क्या लगता है आपकी उम्र इतनी हो गई, आप बहुत बार वोट दे चुके होंगे, क्या सत्ता के नाम पर भक्ति से बढ़कर सत्ता का प्रेम हो सकता है? भक्ति से बढ़कर कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। भगवान श्री राम हम लोगों के आदर्श हैं, पूरे विश्व के आदर्श हैं और हमारे देश के गौरव हैं। जो इस गौरव के खिलाफ, यानी जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। वो मरे हुए का समान अभी है, बाद में क्या मरेगा। देखिए मुझे तो आने वाले 2024-2027 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में भगवान राम नजर आते हैं, और हमें लगता है कि वो हमेशा आसन रहेंगे, हम सभी को अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। और इस कृत्य की जो इन्होंने किया है, हम लोग चाहते हैं कि कोई इनके ऊपर विधिक कार्रवाई हो। क्या दिखाई दे रहा है कि राम के नाम पर सत्ता या फिर विरोध पर सत्ता? प्रभु श्री राम के नाम पे तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री देश के मोदी जी कर रहे हैं वो विपक्ष को दिखाई दे रहा है, उसको पच नहीं रहा है। और एक निवेदन है कि उनके कांग्रेस पार्टी और उनके विपक्ष के जो भी ने, हम लोग के विपक्ष के, भाजपा के विपक्ष के नेता जो भी हैं, चाहे एनसीपी के हों, उनके मंद बुद्धि का इलाज हो, उसका जो भी खर्च हो हम लोग पूरी जनता मिल के उनको दें। सर हमें तो लगता है कि विकास पर सत्ता मिलेगी इस बार नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि जो विकास वो कर रहे हैं वो अद्भुत है। ऐसा तो हमारी उम्र करीब 55 से ऊपर हो गई है, हमने आज तक कभी जीवन में इतना विकास, न सिर्फ काशी में पूरे देश में कहीं भी जाते हैं इतना विकास हमने कभी देखा नहीं। आप तो वो दिन देखे जब राम मंदिर आंदोलन हुआ, किस तरीके का वो दिन था और आज क्या आपने कल्पना की थी ये दिन देख पाएंगे? उस समय केंद्र में भी हमारी सरकार नहीं थी भाजपा की, और उत्तर प्रदेश में भी नहीं थी। जब शाम को पहला जत्था बनारस लौटा अयोध्या से, तो चार लोग मलदैया चौराहे पर पुलिस का डंडा खा रहे थे, और हम लोग चौराहे से इस पार नागरिक सुरक्षा की ड्यूटी दे रहे थे। मैं सेक्टर वार्डन था, मेरे साथ चार सदस्य और थे, तो उसमें से एक आदमी ने मुझे पहचान लिया और दूर से आवाज़ दी, दीपक भैया दीपक भैया। तो हम लोग दौड़े हुए गए, अपना डंडा और हेलमेट वगैरह हाथ में था, पुलिस वालों को रोका, तो पुलिस वालों से बात की बताया, तो उसने जो है अपने गमछे में बांध करके वहाँ की जो है रस लेके आया हुआ था, उसने सबको रस दी, तो पुलिस वालों ने भी लगाई, और उन्होंने अपने मतलब उनके अंदर से भी आवाज़ निकली कि हमारी सरकार बहुत गलत कर रही है। मुझे लगा कि देखिए वर्दीधारी होकर भी ये राम के भक्त हैं, तो बड़ा गर्व हुआ अपने आप को। फिर उन लोगों को हम इस पार लेकर के आए, चाय नाश्ता कराया और गाय घाट तक छोड़ करके आए। रास्ते में किसी ने हम लोगों को कुछ नहीं कहा, और जब गाय घाट पर छोड़ा कम से कम सैकड़ों आदमी वहाँ पे थे जिन्होंने राम नाम के नाम से जो है
एकदम अयोध्या का माहौल बनारस बन गया था और मस्जिद की जो तोड़ी मस्जिद का ढांचा तोड़ा गया था उसके विरोध में ऐसा नारा लगाया कि समझ लीजिए वो। तो जब कोई मुसीबत में होता है, संकट में होता है, तो कहता है कि राम जी करेंगे बेड़ा पार। और भगवान राम का नाम न सिर्फ आपको मुक्ति देता है बल्कि आपको वो खुशी देता है जो शायद किसी और नाम में नहीं मिलता। फिलहाल जनता यही कहती है कि जय श्री राम, और राम के नाम से ही सब कुछ आगे बढ़ेगा। सत्ता अपने अलग जगह पर है, पर भक्ति सत्ता से कहीं बड़ी होती है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।